रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। नशे के आदि नशेड़ी अब शराब से ज्यादा नशीली दवाइयों का सेवन करने लगे हैं, जिससे इन दवाइयों की चोरी छुपे बिक्री बढ़ गई है। कई लोग इन दवाओं को थोक रेट पर खरीद लेते हैं और फिर नशा करने के शौकीनों को महंगे दामों में बेचते हैं। ऐसे ही एक नशे के सौदागर को बेलखड़ा थाना पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वही एडिशनल SP शिवेश सिंह बघेल ने बताया कि आरोपी संदीप साहू बेलखड़ा क्षेत्र के पिपरिया कलाम गांव का रहने वाला है। वह अपने घर से ही नशीली दवा ऑनड्रेक्स कफ सिरप की बिक्री कर रहा था, जबकि इस सिरप को प्रतिबंधित दवा में शामिल किया गया है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसे बेचना या खरीदना कानूनन अपराध है। मुखबिर द्वारा क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि संदीप अपने घर में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में कफ सिरप रखे हुए हैं और नशा करने वालों को बेच रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की टीम बनाकर संदीप के घर पर छापा मारा गया। वहीं 1419 CC कफ सिरप रखा गया, जिसमें पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार करते हुए सिरप जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि संदीप ऑनड्रेक्स सिरप बेचकर करीब 8000 रुपए कमा चुका है और यह रकम भी बरामद की गई है। बहरहाल पुलिस अब संदीप से पूछताछ कर रही है कि उसने कहां से और कितने में यह सिरप खरीदा था और किन लोगों को बेच रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन पे अवैध मादक पदार्थ और नशीले पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई लगातार निरंतर जारी है। इस तहत जो है पिपरिया कला में एक सूचना मिली थी कि संदीप साहू के मकान और दुकान से अवैध रूप से ऑनड्रेक्स के सिरप बिक्री किए जा रहे हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच और बेलखेड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने वहां पे तलाशी ली, जिसपे 419 जो बॉटल्स हैं उसके ऑनड्रेक्स सिरप के मिली हैं। उसका कोई वैध प्रिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं था, जिसपे थाना बेलखेड़ा पे NDPS और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। और अभी ये पता किया जा रहा है कि कहां से लेके आए हैं और पूर्व में कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं पूरे कृत्य में, और जो भी साक्ष्य आए उसके खिलाफ उसके रास्ते कार्रवाई की जाए। कुछ पैसे भी मिले हैं इसके, करीब 8000 रुपये उसके जब्त हुए हैं और इस पर और पूछताछ भी की जा रही है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।